हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो मैं अपनी डॉटर को राधा का लुक देने जा रही हूँ। और मैं इसलिए रेडी हूँ कि मैंने भी अभी अभी एक मेकअप लुक शूट किया है। तो राधा लुक पिछले साल भी मैंने इसका बनाया था, वो काफी लोगों ने पसंद किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जन्माष्टमी आने वाली है, और इस बार पिछले साल तो इसको स्कूल में राधा बन के जाना था, तो मैंने इसका मेकअप किया था पूरा और वीडियो भी शेयर किया था उसका। आप भी अपनी जो डॉटर है उसको राधा का गेटअप देना चाहें तो आपके लिए वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा, किस तरीके से बच्चे का मेकअप करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हम नहीं लगा सकते हैं, स्किन बच्चों की तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है। फेस वगैरह सब वॉश कर लिया है और उसके बाद अब बस कुछ ही प्रोडक्ट से करूंगी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा राधा के लिए। और मैं अपना अभी मेकअप लुक एक शूट करके और उसको फिर पूरा अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके मैंने खाना बनाया। जो नेक्स्ट जो पहले वाली जन्माष्टमी थी उसमें भी हम लोगों ने जो है ऐसा ही किया था, लेकिन जो लहंगा था तो मेरे था और जो लेकिन उसका दुपट्टा बहुत छोटा था और जो हम लोग को राधा बन के जाना था तो दुपट्टा मम्मी ने अपना पहना दिया था, क्योंकि वो सर से डाल के मैम ने बोला था गजरा वगैरह लगा के, तो मैंने अपना दुपट्टा डाला था। और इस बार तो ये बड़ा दुपट्टा है, और अगर स्कूल जाना होता तो फिर हो सकता मुझे लहंगा परचेज करना पड़ता, क्योंकि वो लहंगा छोटा हो गया और ये लहंगा ये कैरी नहीं कर पाएगी, तो इस वजह से। लेकिन बस सिर्फ घर में ही गेटअप दे के और फोटो खींच के भेजनी है, तो मुझे लगा कि अब और लॉकडाउन चल रहा है, वैसे भी शॉप्स तो खुली है लेकिन अभी नहीं परचेज करना था मुझे, तो मैंने सोचा इसी में मैं इसको रेडी कर देती हूँ। और आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा ये लुक। थोड़ा सा मैंने ऊपर से फोल्ड कर दिया है लहंगे को ताकि प्रॉब्लम ना हो इसको और पिक वगैरह खींचाने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेहंदी वेहंदी भी लगा रखी है राधा जी, छूट गई है छूट गई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बताया कि बच्चों की स्किन है तो बहुत ज्यादा मैं नहीं कुछ लगाऊंगी, और जितने भी प्रोडक्ट लगाऊंगी वो ब्रांडेड लगाऊंगी ताकि जो स्किन में कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। तो बहुत ही थोड़ी सी मैं बस ये सीसी क्रीम लगाऊंगी। और फेस पाउडर वगैरह नहीं, मैंने व्हाइट टोन पाउडर लिया है ये। तो चलिए अब और प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं। तो अब ये मैं आई शेडो इसको लगा रही हूँ, पिंक कलर का। आईलाइनर के लिए ये ओरिफ्लेम का लिया है मैंने, क्योंकि लिक्विड वाला हो सकता है आईज में चला जाए, गर्मी बहुत हो रही है इसकी वजह से। तो अन्या वेरी एक्साइटेड, आईज क्लोज करिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो है लाइनर मैंने लंबा ही लगाया है, क्योंकि राधा लुक है तो ऐसा ही लाइनर अच्छा लगेगा। और बाकी काजल मैं नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि काजल थोड़ा सा हो सकता है आईज में प्रॉब्लम करे, बच्चा है छोटा। और फ्रेंड्स ये जो आवाज आ रही है इसको इग्नोर करिएगा, बगल में कुछ कंट्रक्शन चल रहा है तो इसकी वजह से इसको इग्नोर करिएगा। अब बारी आती है ब्लशर की, तो जो कि वो तो राधा लुक में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा हाइलाइटर लगा दूंगी ताकि थोड़ा सा फेस पे शाइनिंग रहेगी तो अच्छा लुक आएगा। स्कूल वगैरह अगर जाना है, स्कूल तो बार बार स्कूल का ही नाम निकलता है क्योंकि स्कूल ही पिछले साल जाना था इसलिए, तो फोटो में भी थोड़ा सा शाइनिंग फेस करेगा तो अच्छा लगेगा इस वजह से।
मम्मी ये लगा दिया हाईलाइटर। हाईलाइटर लग चुका है क्योंकि थोड़ा सा फेस शाइनिंग होगा तो अच्छा लगेगा राधा लुक में। और जो हेयर स्टाइल है वो मम्मी शायद जूड़ा बनाएंगी। हाँ क्योंकि गजरा लगाना है। और ये पहले ही नेक पीस पहना देते हैं क्योंकि फिर जूड़ा बनना रहेगा तो हो सकता है प्रॉब्लम हो थोड़ी। और अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक मैं इसी कलर की लगाऊंगी, वो भी लैक्मे की है मेरी। और ये थोड़ा सा मजेंटा कलर है, डार्क पिंक कलर। लैक्मे की लिपस्टिक लगा रही हूँ, जैसा कि बताया कि सारी मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट ही इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है। मैं लिपस्टिक लगा के मिलती हूँ, लगाने नहीं दे रही है मुझे। और लिपस्टिक तो लग गई लेकिन इसने अपने आप लगाई, तो मैं थोड़ा सा आउटलाइन करके उसको सेट कर दे रही हूँ अच्छे से। तो अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, फिर उसके बाद चुनरी कैसे डालनी है। चुनरी सिंपल जैसे हम लोग सीधे पल्ले में साड़ी पहनते हैं, बस उस तरीके से डालिए। और अभी सर पे कैसे डालना है वो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पिनअप वगैरह करके। तो हेयर स्टाइल बना लेते हैं पहले। तो पहले एक बैंड इस तरीके से लगा देना है, वो मोटा वाला जो आता है ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप पर मिल जाएगा। ये मोटा वाला बैंड है, ये नहीं मोटा वाला। अच्छा हाँ, मोटा वाला नहीं है ये, आपको छोटा वाला होता है ये, तो सबके घर पे। फिर इस तरीके से इसको फंसा के, और इसने अभी शैम्पू किया था ना तो बाल थोड़े से गीले हैं, ये देखिए इस तरीके से करके। और फिर एक बैंड और लगाना है। फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ये बन गया जुड़ा। उसके बाद जो ये हेयर हैं इनको आप साइड से ऐसे लाके और इस तरीके से फोल्ड करते हुए, आपके पास अगर वो जो जुड़े वाले कांटे होते हैं तो वो लगा दीजिए। मेरे पास है लेकिन अभी इस टाइम मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि ज्यादा यूज नहीं होते, तो मैं ये इस वाली पिन से ही उसको यहाँ के बालों को टक कर दूंगी। और ये जुड़ा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसके ऊपर से हमें लगाना है ये गजरा। गजरा ये असली नहीं है, ये नकली वाला जुड़ा है गजरा। कुछ इस तरीके से ये गजरा मैं लगा दूंगी। तो इसको भी मैं इसी पिन से सिक्योर करूंगी क्योंकि पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है। तो मैं दो लगा दूंगी ताकि चुन्नी जो है वो इससे निकलने ना पाए। फ्रेंड्स ये गजरा पूरा लग गया है, एक मिनट मैं कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। और ये क्या है, ये इसका है। और फिर उसके बाद गजरा लगने के बाद ये मैं लगाऊंगी मांग टीका, ये इसी का मैचिंग है गले का। और अगर जो बच्चों के वो वाला सेट आता है पूरा ये चीज रहती है और वो, तो वो भी आप पहना सकती हैं, लेकिन मेरे पास वो नहीं था तो मैंने सिर्फ यही लगा दिया। और फिर कानों में मैं, क्योंकि इसने बाली पहन रखी है तो ये बालियां मैं जल्दी उतारती नहीं हूँ, खोने का भी डर रहता है, और ये बिल्कुल मैंने कस के टाइट दबा दिए, तो मैं ये कांटे वाले जो होते हैं ये इसको मैं ऐसे ही ऊपर से फंसा दूंगी ये ऐसे कर। और जो अगर कोई भी पेच है वो फंसा लीजिए, तो जो ये निकलेंगे भी नहीं अगर कहीं जाना है तो। इस तरीके से करके अगर और अच्छे से इसको पीछे से दबा देंगे तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जूड़ा जो है उस पे अच्छे से गजरा पूरा टिक गया है। अब उसी पे मैं चुन्नी को इस तरीके से कुछ टिका दूंगी। और यही सेम मेकअप मम्मी मेरे जन्माष्टमी में भी करेंगी। तो ये कुछ इस तरीके से राधा जी का लुक तैयार हो गया है। और यहाँ पे एक सेफ्टी पिन ऊपर लगा देते हैं ताकि ये चुन्नी हमारी जो है वो
खिसकने ना पाए। तो जो बालों में नहीं अटैच इसको करेंगे ताकि कहीं से चुभे ना या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। तो ये जो जूड़ा वाला जो ये गजरा है उसमें से लेके और जो जूड़े के जो थोड़े से बाल है उसमें से लेके मैं फंसाऊंगी एकदम। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई जो कि अब बस सिर्फ एक ही लाइट जल रही है, इन्वर्टर से एक ही लाइट जल सकती है। तो इस तरीके से मैंने चुन्नी को पिनअप कर दिया है, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, देखते हैं अगर अभी लाइट आ जाती है तो। बाकी तो पूरा फुल मेकअप आप लोगों ने देख ही लिया है। इधर भी मैंने एक पिन लगा दी तो इससे ये चीज भी बहुत अच्छी आ रही है और हाथ भी एकदम बिल्कुल फ्री है। तो ये था राधा का पूरा गेटअप। अभी मैं पूरा आपको इसका लहंगे का लुक दिखाती हूँ, लाइट अगर आ जाती है तो ठीक है, वरना बाहर वाले रूम में मैं शूट करूंगी। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे। ये है पूरा राधा का लुक, जो कि बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा राधा जी के लिए। और आप अपने बच्चे को किस तरीके से तैयार करें कम से कम प्रोडक्ट में, और बस इतना याद रखिए कि ब्रांडेड प्रोडक्ट ही हो ताकि बच्चे की इन पे कोई भी रिएक्शन ना होने पाए। और आन्या बहुत हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। तो बस इसकी मैं अभी एक दो फोटो भी क्लिक करूँगी जो कि मैं लगाऊंगी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो आप लोग देखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय बोलो, बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा जो लोग मेरी मम्मी के चैनल पे नए हैं, और जो लोग मेरी मम्मी के चैनल पे नए हैं प्लीज 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 लाइक कर। और हाँ, और वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि और भी लोगों को अगर ये गेटअप देना हो अपने बच्चे को तो उनको कुछ आइडिया मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय।